हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको सिंगल एक इंटरडे कॉल देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और अभी मैं कंटिन्यूअसली सर्च कर रहा हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर एक के बाद एक स्टॉक देता रहूँगा। और यहाँ पर अब जो 1% का मैं आपको टारगेट दे रहा था, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा आपको सिंगल, जिसमें मैं थोड़े से बड़े टारगेट देने की कोशिश करूँगा आपको, और उम्मीद करूँगा कि वो बड़े टारगेट हमारे मार्केट के अंदर अचीव होते हुए दिखाई दें। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और सभी को इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो गाइज, चलिए देखते हैं हमारे 7 फरवरी के लिए, जो मैं आपको सिंगल कॉल इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको कुछ कॉल निकालने की कोशिश करूँगा जिसमें बड़े टारगेट रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉल। तो गाइज, ये रहे हमारे 7 फरवरी के लिए इंट्राडे कॉल, जो मैं आपको एक सिंगल कॉल दे रहा हूँ सबसे पहला। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँगा कि अगर आपको मार्केट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं बट आपसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपके साथ कि वहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस रिकवर करने के लिए आप और ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फिर से लॉस हो जाता है। तो इन लॉसेस से बचने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप मेरी सर्विस ज्वाइन करके मेरे साथ काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2 से 3 कॉल दिए जाते हैं इंट्राडे में टारगेट ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर जो भी टारगेट रहते हैं वो ओपन टारगेट रहते हैं, जहाँ हमें बड़े से बड़े प्रॉफिट गेन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आज भी जो स्टॉक दिया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर पर, इन स्टॉक्स पर मेरा ज़्यादा बड़ा फोकस रह रहा था, और वहाँ पर हमने एक बड़ा प्रॉफिट निकाला। और उससे पहले मैं जुबिलेंट फूड में एक दिन पहले अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। तो गाइज, ऐसे आपको ओपन टारगेट पर काम करवाया जाता है, जहाँ पर आपको बड़े टारगेट अचीव होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये सिंगल कॉल कौन सा है और यहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉल मैं आपको दे रहा हूँ पहले वीडियो में, सिंगल कॉल इंट्राडे का, यहाँ पर टाटा ग्लोबल पर अभी मैंने जो सर्च किया है, मैं भी देखते देखते, तो मुझे सबसे पहला जो कॉल दिखाई दिया है वो टाटा ग्लोबल में मुझे कुछ अच्छी पोजीशन दिखाई दी है, क्योंकि मैंने इसमें पहले भी अपनी ट्रेड लाइन बनाई हुई थी, तो उसी ट्रेड लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है दोनों साइड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा एक ड्रेन बन रहा है, जहाँ पर इसी दायरे के अंदर पूरी ट्रेडिंग चल रही है। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही देख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग चल रही है, डाउन पोर्च यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आया है। अब ये इतना बड़ा जो ऊपर जाने के बाद इसने डाउननेस दिखाई है और यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट किया है, तो इंट्राडे में यहाँ पर बहुत ही शानदार कॉल हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंट्राडे में जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ वहीं से आप एंट्री करिएगा, और इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट तो मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, बट अगला जो वीडियो मैं आपको डालूंगा तो कोशिश करूँगा कि जो भी स्टॉक मुझे मिले वहाँ पर मैं आपको बड़ा टारगेट दे सकूँ। तो यहाँ पर टाटा ग्लोबल में आपको जो बाइंग लेवल है वो 190.25 से हमको इसमें एंट्री लेनी है, और जो हमारा टारगेट रहेगा 1% का वो 192.15 का है, और 192.30 भी आप इसमें लेकर चल सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा टाटा ग्लोबल के अंदर, जैसा कि आज देखने को मिला है कि ये यहाँ पर इसने ओपनिंग दी थी, एक डाउन साइड पर इसने ओपनिंग देकर काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, और अगर इसने इतनी ज़्यादा रिकवरी ली है तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर बायर काफ़ी स्ट्रांगली लौटे हैं, इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो कल भी हमको इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इसलिए जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ इसी लेवल से आप एंट्री लीजिएगा 192.25 से, और टारगेट आप यही लेकर चल सकते हैं। वैसे मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बड़े टारगेट नहीं दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, बट जो अगला स्टॉक मैं आपको देने की कोशिश करूँगा उसमें थोड़ा बड़ा टारगेट देने की कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा स्टॉक मिल जाए मुझे सर्च करते हुए, और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँ एक सिंगल इंट्राडे कॉल जिसमें बड़ा टारगेट देने की कोशिश करूँ। और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा जब भी ये लेवल एग्जीक्यूट होता है आपका और आप इसमें एंट्री ले लेते हैं, तो इसमें 188.30 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर रखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट में कोई भगवान नहीं है। अगर लेवल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर बाइंग के लिए तो स्टॉप लॉस भी साथ में दे रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाकर स्ट्रांगली चलिएगा, ताकि आपको अगर इसमें एकदम से कोई फॉल आता है पूरे मार्केट में, अगर कोई प्रेशर कहीं पर बनता है तो यहाँ पर आपको एक बड़ा लॉस ना हो, आप एक छोटे से लॉस के साथ निकले और आपके पास इतना अमाउंट रहे कि आप नेक्स्ट कॉल में काम कर अपना लॉस रिकवर कर सकें और प्रॉफिट लेकर निकल सके। तो गाइज, अगर आपको इसमें काम करना है
तो आप इसमें काम कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट कॉल के लिए आप वेट करें। तो अगर मुझे को मिलता है 12 बजे से पहले तो मैं आपको वो कॉल ज़रूर दे दूँगा। तो आप वेट करिएगा, अगर 12 बजे से पहले मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, या फिर मॉर्निंग में भी मैं आपको वो स्टॉक दे सकता हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिए, और अगर किसी को सर्विस ज्वाइन करना है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकता है, जहाँ आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है। ये कॉल्स पहले से दिए जाते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर लेवल मोस्टली स्टॉक ऐसा भी मार्केट ऐसा चल रहा है कि वॉलीटाइल चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों से मैं आपको यूट्यूब पर दे नहीं रहा था कॉल, क्योंकि मार्केट आप खुद देख रहे थे कि लेवल कहीं पर भी काम नहीं कर सकते थे, किसी भी के भी, कोई भी बड़ा रिसर्चर आ जाए, किसी के भी लेवल काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलीटाइल था। वो कब कहाँ ओपनिंग दे रहे थे स्टॉक, कब कौन से स्टॉक्स वापस रिकवरी ले रहे थे, और कौन से स्टॉक एकदम से ब्रेकआउट देकर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, ये कोई नहीं जान सकता था। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर चलें, और किसी को सर्विस चाहिए हो लाइव मार्केट में सपोर्ट लेकर मेरे साथ काम करना हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।